मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां पर रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखिए, हर जगह पानी भर चुका है। बांद्रा गेटवे ऑफ इंडिया केईएम अस्पताल के अंदर पानी घुस गया है, जो कि परेल में है। वहीं सायन में भी सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। स्कूल कॉलेज दफ्तर जाने वाले तमाम लोग, अस्पताल, फ्लाइट सर्विस, लोकल ट्रेनें, सब पर भारी बारिश का बुरा असर पड़ा है। कुछ और अगर इलाकों की बात करें तो लोअर परेल, हिंद माता, दादर, अंधेरी ईस्ट के इलाकों में खासा पानी जमा है, जिससे लोग परेशान हैं। काफी लोग जहां पर थे वहीं पर फंसे हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई घंटों का वक्त लग रहा है। माटुंगा में रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। हवाई यातायात प्रभावित हुई है। कई जो उड़ाने हैं उन्हें फिलहाल स्थगित या तो देरी के लिए डिले कर दिया गया है, और कई जगह जो रेलवे जो यातायात है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगले 24 घंटे तक राहत मिलने के आसार नहीं है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कुछ यही हाल दिखाई दे पड़ रहे हैं। तो किस तरह यातायात पर असर पड़ा है, मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं, लाइफलाइन लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप है, सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न रेल पर ट्रैक पर लोकल ट्रेनें रुक गई हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ रविंद्र भाकर जी हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल इस बारिश से रेलवे यातायात का क्या हाल है, क्या अपडेट देंगे दर्शकों को? क्या सुबह से ही काफी बारिश हो रही है और हाई टाइड भी है। इनफैक्ट अभी तो पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है कई कई जगह पे। तो वेस्टर्न रेलवे पे जहाँ तक बात है तो हमारा चर्चगेट से अंधेरी के बीच में पूरा ट्रैफिक अभी सस्पेंडेड था, और बियॉन्ड अंधेरी, अंधेरी से धानु रोड का ट्रैफिक जो था अभी चल रहा था। हालांकि डिलेड चल रही थी ट्रेन और फ्रीक्वेंसी भी कम थी, और इस दौरान जो शाम की हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियां हैं शेड्यूल थी, जो राजधानी और अगस्त क्रांति राजधानी, उसके बाद अवंतिका और काफी गाड़ियां थी, उन सबको हमने एक एक घंटा रीशेड्यूल कर दिया है अभी, क्योंकि अभी पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ गया है और कई कई जगह तो दोर परेल, दादर, माटुंगा में 400 mm से ज्यादा ट्रैक पे पानी हो गया है, और 150 mm से अगर ज्यादा पानी हो जाता तो ऑपरेशन अनसेफ हो जाता, हम सस्पेंड कर देते हैं। राइट सर, हम भी अभी वेट कर रहे हैं सिचुएशन, अगर थोड़ा वाटर रिसीड होता है तो डेफिनेटली ऑपरेशन रिज्यूम कर पाएंगे, अदरवाइज अभी बड़ा डिफिकल्ट। मतलब सर, सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही कई जगहों पर पूरी तरह रुकी हुई है, ये कह रहे हैं आप? वेस्टर्न में लाइन की बात कर रहा हूँ जहाँ तक, तो वेस्टर्न में चर्चगेट से अंधेरी के बीच का जो हमारा सेक्शन है वो बुरी तरीके से प्रभावित है, सबसे ज्यादा बारिश का असर उसी पे है, तो उसमें अभी ट्रेन सर्विसेज सस्पेंडेड है, और अंधेरी से बियॉन्ड जो है दहानू रोड तक के हम कुछ कुछ सर्विसेज चला पा रहे हैं कुछ कुछ अंतराल से। और कितनी देरी है जो सर्विसेज अभी चल रही हैं, कितनी देरी के साथ लोकल ट्रेनें मिल पा रही हैं? लगभग 15 से 20 मिनट की देरी सेक्शन में है अभी। सर, कोई इंफॉर्मेशन कब तक नॉर्मल हो पाएगा, या इंतजार कर रहे हैं कि जब तक बारिश ना कम हो जाए, क्योंकि अगले 24 घंटों में भी IMD ने ये अनुमान जताया है कि भारी बारिश होगी? अभी 4:40 पर हाई टाइड का भी समय था और उसी से क्लब होके और पिछले एक घंटे से बारिश की गति और बढ़ गई है। इनफैक्ट बीच में हमको 3:30 के आसपास 2-3 स्पेशल ट्रेन हमने रवाना भी की थी चर्चगेट से विरार की तरफ, बट अभी स्थिति और ही बदतर होती जा रही है। इनफैक्ट तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, हम लोग भी अपनी सारी टीमें अलर्ट पे रखी हुई है हर वल्नरेबल लोकेशन पे, जैसे भी हो संभावना मिलती है हमें, जैसे वाटर लेवल रिसीड होता है थोड़ा तो हम सर्विस रिज्यूम कर पाएंगे। रविंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, रेलवे की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है कि स्टेशन पर लोग फंसे हुए हों और रेलवे ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और पहुंच ना पाए हो? जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न लाइन पे सर्विसेज पूरी तरीके से ठप नहीं पड़ी थी, हमारा जो अंधेरी और दादर से बियॉन्ड हम लगभग 3 तक सर्विसेज चला पा रहे थे, इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी स्टेशन पे। हालांकि चर्चगेट और ये जो साउथ बॉम्बे का पोर्शन था हमारा, इस दौरान भी हमने 2-3 स्पेशल ट्रेन वगैरह इस दौरान यहाँ से रवाना की, उस वजह से भीड़ भी कम रही, और लोगों को एडवाइजरी तो हमने भी इशू की है कि जहाँ तक जरूरी ना हो वो लोग ना निकलें, क्योंकि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 28 घंटे तक और भारी वर्षा की चेतावनी है और हाई टाइड भी आज की डेट है। दोनों मिला के स्थिति अभी बहुत नॉर्मल होने की संभावना इमीडिएट दिख नहीं रही है हमें, क्योंकि अभी हमने सारी जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें वो भी 1-1 घंटा रीशेड्यूल की है। राजधानी की जो 5 से थी वो 6 बजे तक की है, अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद हो सकता है और आगे भी रीशेड्यूल करनी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र भाकर जी हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि इस वक्त लोकल ट्रेनों की स्थिति क्या है मुंबई में,
कई जगह जो है वो लाइन्स हैं फिलहाल ठप है बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रैक्स पर भी पानी भरा हुआ है और जहां पर ट्रेन चल भी रही है सेंट्रल लाइन जैसा कहा जा रहा है वहां पर 15 से 20 मिनट की देरी से लोकल ट्रेन चल रही हैं। लोगों से हिदायत दी गई है रेलवे की तरफ से भी कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है क्योंकि बारिश में हर साल यही हालत होती है मुंबई की और ऐसे ही जो वहां की लाइफलाइन है वो ठप हो जाती है। अब मुंबई में खासतौर पर भारी बारिश के बाद हालात पर सीएम फडणवीस खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सभी दफ्तरों से अपील की है कि वो कर्मचारियों को जल्द से छुट्टी दें ताकि वो वक्त रहते घर लौट सकें। मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। सीएम फडणवीस ने खुद कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया, उन्होंने बारिश के बाद के हालात की मॉनिटरिंग भी की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीएमसी दफ्तर पहुंचकर ये हालात का जायजा लिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास वाटर लॉगिंग की कुछ कंप्लेंट्स हैं और विशेष रूप से कुछ झाड़ गिरने की कंप्लेंट्स उनके पास आई है जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं। साथ ही में मैंने जो मुंबई पुलिस है उससे भी हॉटलाइन से बात की है। करीब 25 जगह पर उनको ट्रैफिक जाम ये वाटर लॉगिंग के कारण हुआ है जैसे उनको ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। हमने लोगों को भी ये इत्तला दिया है कि लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घरों की ओर लोग जाए। मंत्रालय में भी हमने लोगों को ये सूचित किया है कि वो जल्दी जा सकते हैं। कई ऑफिसरों को भी ये कहा है कि वो जल्दी जा सकते हैं और कुल मिलाकर इस परिस्थिति के ऊपर हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। ये तो हालत हुई आज की, लेकिन अगले दो दिन भी आप मुंबई में रहते हैं तो इस भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे भी मुंबई वालों को इस भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। एक दिन की बारिश ने मुंबई का क्या हाल किया है ये आप देखिए। 80 से ऊपर एमएम बारिश मुंबई में हो चुकी है और अगले 48 घंटे ऐसे ही बारिश हुई तो क्या हाल होगा अंदाजा ही लगाइए। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है कल भी पूर्वानुमान यही दिया था कि मूसलाधार बरसात होगी, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जिसको 12 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल कहते हैं और वो मूसलाधार बरसात जो है आज नॉर्थ कोंकण में कई जगह पर जो है रियलाइज हो चुकी है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी देखी गई जिसको 20 सेंटीमीटर रेनफॉल बोलते हैं। स्कैटर्ड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा और उसी के साथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना आने वाले दो दिनों के लिए मौसम विभाग ने जताई है। जहां तक कुलाबा है वहां पे काफी कम बरसात आज पिछले 3 घंटे में दिखाई दे रहा है, 8.5 से 11.5 के बीच में सवेरे के तकरीबन 15 मिलीमीटर बरसात हुई, लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखोगे सांता क्रूज में पिछले 3 घंटे में सवेरे 8.5 से 11.5 तक सवेरे 86 मिलीमीटर की वर्षा जो है वो रिकॉर्ड हुई, मतलब 65 मिलीमीटर का क्राइटेरिया होता है पूरे दिन के लिए 24 घंटे का जिसको हम हेवी रेनफॉल कहते हैं। ये आंकड़े जो है उसने 3 घंटे में पार किए हैं और ये मुंबई शहर के लिए अपेक्षित था। इस तरह के वार्निंग्स बीएमसी को और स्टेट गवर्नमेंट को पहले से पिछले 2 दिनों से ये जा रही है वार्निंग्स। अब मुंबई के वन ऑफ द मेन विजिटर्स अट्रैक्शन कोलाबा की बात करें तो वहां पर भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे। यहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने। अगले 24 घंटों में और भी भीषण बरसात होने को लेकर के अलर्ट जारी किया है तो वहीं कोलाबा के गीता नगर में अभी से जल जमाव होना शुरू हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पानी है वो लगभग घुटनों तक यहाँ पर जमा हो चुका है और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के प्रतिनिधियों से बेहद खफा हैं, नाराज हैं और शायद अपनी नाराजगी जो है इसी तरीके से पानी में बैठ करके जता गए हैं। आप बताइए क्या शिकायत है आपको यहाँ पर, पानी जो कब से भरा है, क्या क्या दिक्कतें हो गई? यहाँ 28 तारीख कल शाम से पानी यहाँ भरना शुरू हुआ था, यहाँ कल कमर तक पानी था तो हम लोग ने यहाँ के नगर सेवक को कॉल किया और MLA को भी कॉल किया, वो लोग कहते हैं कि 5 मिनट में हम लोग भेज रहे हैं और BMC ने यहाँ 3 मोटर रखा है, 3 में से 1 मोटर चालू है और पानी उतना नहीं बाहर जा पा रहा है। और इससे पहले भी नेवी नगर में लोगों ने गए थे, यहाँ पे देखा गया, पिछले साल भी यही प्रॉब्लम आई थी और अगर BMC काम करती है तो उसको पहले 2-4 महीने पहले बारिश से पहले सफा करा देता है। आप बताइए कि क्या यहाँ पर 3-3 पंप होने के बावजूद भी पानी नहीं निकल पाता या पंप भी चलता नहीं? अब तो ये सबसे बड़ी है तो BMC वाले का बहुत बड़ा ये घोटाला ही बोलेंगे कि करोड़ों रुपया ले लेते हैं पंप के नाम पर और गटर साफ करने के नाम पर और
रिजल्ट क्या होता है? जीरो। हर जगह पानी बॉम्बे में भर जाता है, हमारे गीतानगर में तो 20 साल से ही ऐसे ही होता है हर बारिश के अंदर, मगर कोई काम ठीक से बीएमसी ये करती नहीं है और हमको यहाँ भुगतना पड़ता है। एक चीज आपको ये भी बता दूं कि ये हाई टाइड का वक्त नहीं है, आप इस बात पर ध्यान फरमाइएगा कि यहाँ पर भले ये समंदर के से ठीक सटा हुआ इलाका है, जब हाई टाइड यहाँ पर होती है तब ऊंची लहरों की वजह से यहाँ पानी तो जमा होता ही है, लेकिन ये जो पानी है ये बरसात की वजह से पानी जमा हुआ है, जो यहाँ की जो लाइन थी वो क्लियर नहीं की गई है, इसकी वजह से जमा हुआ है।